आरसीबी के खिलाफ 87 रन ठोककर मैन ऑफ द मैच बने साल्ट ने धोनी को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाड़ी ने 87 रन बनाकर धोनी के लिए जो कहा उसे सुनकर आप भी इस अंग्रेज को सलाम करोगे। दोस्तों आखिरी फ्लिप साल्ट ने धोनी को लेकर ऐसा क्या कह दिया है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है वार्नर और डुप्लेसी में कौन है आईपीएल का बेहतर कप्तान? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों आज आईपीएल का दो सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया, एक ओर जहां चेन्नई और मुंबई की टीमें आमने सामने थे तो दूसरी तरफ बेंगलोर और दिल्ली के टीम के बीच प्लेऑफ में पहुंचने का जंग चल रहा था। हालांकि इस जंग में दिल्ली के लड़ाकों ने बाजी मार ली जबकि कोहली की सेना को निराशा हाथ लगी। हालांकि इस मुकाबले में एक समय आरसीबी भी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन एक गलती और मैच बेंगलोर के हाथ से निकल गया। जी दोस्तों, इस बड़े मुकाबले की शुरुआत बेंगलोर के टॉस जीतने के साथ हुई। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए बेंगलोर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करके स्कोर बोर्ड पर रन टांगना बेहतर समझा। हालांकि उनका ये फैसला गलत साबित हो गया क्योंकि बल्लेबाजों ने आज कमाल की बल्लेबाजी करी लेकिन गेंदबाजों ने धोखा दे दिया। जी हां, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम ने 20 ओवर में 181 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। बेंगलोर को कोहली और डुप्लेसी ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई जब पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़ चुके थे। हालांकि इस शानदार शुरुआत को आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छे से फिनिश नहीं कर पाए जिसकी वजह से एक समय 200 के पार जाती दिख रही बेंगलोर 181 रनों पर रुक गई। दोस्तों आरसीबी के लिए कोहली ने 55 रन बनाए तो वहीं महिपाल लोमरो ने ताबड़तोड़ 29 गेंदों में 54 रन कूटे, लेकिन दिनेश कार्तिक ने 9 गेंद खेलकर सिर्फ 11 रन बनाए। यही वजह थी कि अंतिम के ओवरों में बेंगलोर की टीम बड़ा फायर नहीं कर पाई, यही पर उसे काफी नुकसान हुआ। वही 182 रनों के लक्ष्य को दिल्ली ने बड़े आसानी से 3 ओवर पहले ही पूरा कर लिया। दोस्तों आज दिल्ली के बल्लेबाजों ने अपने स्वभाव के उल्टा बल्लेबाजी करी। धीमा बल्लेबाजी के लिए मशहूर हो चुके दिल्ली के बल्लेबाज आज पहले गेंद से ही बेंगलोर के गेंदबाजों पर अटैक कर दिया और ताबड़तोड़ रन बरसाए। खासकर फिल्प साल्ट ने तूफान मचाते हुए 45 गेंदों में ही 87 रन कूट डाले जिसकी वजह से दिल्ली की जीत आसान हो गई। वही दोस्तों, दिल्ली की जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले साल्ट को जब मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया तो इस अवार्ड को लेते हुए साल्ट काफी भावुक नजर आए क्योंकि उन्हें आईपीएल में ये पहला अवार्ड मिला था। वही दोस्तों, अपने इस पहले अवार्ड को साल्ट ने धोनी को समर्पित कर दिया। दोस्तों इसकी वजह बताते हुए साल्ट ने कहा, मुझे भारतीय पिचों पर किस तरह से बल्लेबाजी करना है और स्पिन को कैसे हैंडल करना है ये सब मुझे धोनी ने बताया था। मैं पिछले सभी मैच में फ्लॉप हो रहा था लेकिन जब मैं धोनी से मिला तो उन्होंने मेरी पूरी मदद करी और आज मैं धोनी की वजह से ही बड़ी पारी खेल पाया, इसलिए मेरे बल्लेबाजी का पूरा श्रेय धोनी को जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंग्रेज बल्लेबाज फ्लिप साल्ट भी धोनी का फैन हो गया है।